नारायण ने भी तो छल किया बिंदा के साथ में, तो जब नारायण ने ऐसा किया तो फिर अगर इंद्र ने ऐसा किया तो क्या गलत किया, समझिएगा मेरी बात को। क्या कहा? किसी ने टिप्पणी कर दी ना, टिप्पणी करने वाले लोग तैयार हो जाते हैं। टिप्पणी कर दी कि जब नारायण, अरे जो ब्रह्म है, जब ब्रह्म ने एक सती का सतीत्व भंग किया, सती के साथ में छल किया, तो इंद्र ने अगर अहिल्या के साथ छल किया तो गलत क्या किया? दोनों ने एक ही काम किया तो गलत क्या किया? लेकिन भैया जरा विचार करना, यहाँ पर अंतर है, अंतर है। क्रिया तो दोनों की एक है लेकिन उद्देश्य अलग है। भैया क्रिया तो दोनों की एक है, जो क्रिया नारायण की रही वही क्रिया इंद्र की रही, लेकिन उद्देश्य अलग है। और मेन हमको देखना क्या है? उद्देश्य। हमें देखना उद्देश्य है, क्रिया पर ध्यान नहीं देना, हमें तो उद्देश्य देखना है। इंद्र ने अगर छल किया तो इंद्र की क्रिया भी निकृष्ट थी और उद्देश्य भी निकृष्ट था। ध्यान देंगे, क्रिया भी निकृष्ट थी और उद्देश्य भी निकृष्ट था, लेकिन नारायण ने जो किया तो क्रिया तो निकृष्ट थी लेकिन उनका उद्देश्य उत्कृष्ट था। भैया उनका उद्देश्य जो था वो उत्कृष्ट था। अब ध्यान दे, उत्कृष्ट कैसे था, अब ये भी तो प्रश्न बन जाता है ना, उत्कृष्ट कैसे था? तो सुनो, जिस समय जालंधर मारे नहीं मन रहा, जालंधर किसका बेटा है? भगवान शिव का। ध्यान देंगे, भगवान शिव का जालंधर बेटा है। भगवान शिव स्वयं अपने ही पुत्र जालंधर को मार नहीं पाए, जबकि मारने की लाख कोशिश की। ए भैया जरा यहाँ पर और समझना, क्या कोई पिता अपने पुत्र को भी मार सकता है? बोलो भाई, मार सकता है, लेकिन यहाँ पर भगवान शंकर से हमको सीखना है कि पिता भी पुत्र को मार सकता है। कब? जब पुत्र कुपंथ पर चल जाए तो उसे मारने में कोई संदेह नहीं कर, तुरंत मार दो, पुत्र ही क्यों ना हो। लेकिन अगर वो अधर्मी निकल गया तो फिर उसे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये भोले बाबा से सिद्ध हो रहा है। भोले बाबा ने देखा ये जालंधर है तो हमारा बेटा, लेकिन ये अधर्मी हो गया, कुमारगी हो गया, अधर्म पर चल पड़ा, कुमार पर चल पड़ा, तो इसे इसे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। भोले बाबा स्वयं मारने के लिए तैयार हो गए। भला भैया, और यहाँ की स्थिति में अगर देखा जाए तो बेटा कितना भी नालायक निकल जाए लेकिन बाप मार नहीं सकता है, बाप मार नहीं सकता। लेकिन सत्यता क्या है? सत्यता ये है जो भगवान शंकर कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, सत्यता यही है। आज जालंधर भगवान शंकर का बेटा, भगवान शंकर ने जब देखा कि हमारा बेटा अधर्म पर चल रहा, हमारा पुत्र अधर्मी हो गया, कुमारगी हो गया, अत्याचारी हो गया, तो इसे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है, मैं इसे अपने हाथों से मारूंगा। लेकिन नहीं मार पाए भोले बाबा, भोले बाबा का ही पुत्र जालंधर, लेकिन नहीं मार पाए। क्यों? क्योंकि जालंधर की जो पत्नी है वृंदा, बड़ी है पतिव्रता पत्नी है, भैया बहुत पतिव्रता है, बड़ी शत्रुत्ववादी है वो। और एक बात ध्यान रखना, अगर किसी की पत्नी धर्म परायणा है, किसी की धर्म पत्नी बड़ी ही सतीत्व से परिपूर्ण है, पतिव्रत धर्म में परिपूर्ण है, तो उसके पति का कोई बाल बांका कर सकता? ये मैं नहीं कहती, ये आपकी रामायण कह रही है, मैं नहीं कहती, मेरी बात कतई ना मानो, लेकिन रामायण की तो मानोगे भैया, ये हमारी रामायण कहती है। बिंदा बड़ी पतिव्रता नारी थी, भोले बाबा परेशान हो गए, जालंधर को नहीं मार पाए, तो भगवान समस्त देवताओं ने एक कमेटी लगाई, बैठक की कि क्या किया जाए, कैसे मारा जाए। तो उसमें एक निष्कर्ष निकला, क्या? कि जब तक बिंदा का सतीत्व भंग नहीं होगा, जालंधर की जो पत्नी है ना, बिंदा का सतीत्व जब तक भंग नहीं होगा तब तक जालंधर को कोई मार नहीं सकता। चाहे सारे देवता एक तरफ हो जाओ और जालंधर एक तरफ हो जाए, लेकिन फिर भी देवता पराजित हो जाएंगे और जालंधर जीत जाएगा, उससे नहीं मार सकते हो। तो अब ये काम कौन करे भैया? किसी सती का सतीत्व बिगाना कोई आसान बात भैया? अरे जल के खाक हो जाओगे उसी जगह पर, कोई आसान बात है सती का सतीत्व बिगाना? कोई नहीं तैयार हुआ, बोले हमारे बस का नहीं, मरना है क्या? मरना है। तो जब कोई न तैयार हुआ तो अंत में भगवान विष्णु तैयार हो गए, भगवान नारायण तैयार हो गए, क्योंकि भगवान नारायण तो अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं, इसलिए वो तैयार हो गए। बोले कोई ये काम नहीं करेगा, मैं ये काम करूंगा।
आज भगवान विष्णु ने भगवान शंकर से कहा, महाराज आप जाओ और जाकर के आज जालंधर से युद्ध करो और उधर मैं जाकर के बिंदा का सतीत्व भंग करूंगा और उधर जैसे सतीत्व भंग होगा वैसे ही तुम जालंधर को मार देना। भोले बाबा कहने लगे ठीक है प्रभु जैसी इच्छा। आज भोले बाबा और जालंधर में युद्ध हो रहा, यानी बाप बेटे में युद्ध हो रहा भैया, और इधर भगवान विष्णु जो थे चलने लगे। ध्यान दीजिएगा, जब भगवान विष्णु चलने लगे सती बिंदा का सतीत्व भंग करने के लिए, तो लक्ष्मी जी ने चरण पकड़ लिए। किसके? भगवान विष्णु जी के चरण पकड़ लिए। कहाँ जा रहे हो महाराज? बोले हम बिंदा का सतीत्व भंग करने जा रहे हैं। तो लक्ष्मी जी कहने लगी, महाराज आप आपने सोचा है कि आप हैं कौन? आप कौन है? आप तो धर्म को बढ़ाने वाले और खुद ही अधर्म करने जा रहे हो। ऐसा अधर्म मैं आपको जाने न दूंगी महाराज, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। आपके द्वारा ऐसा अधर्म मैं करने नहीं दूंगी। क्योंकि यदि मेरे भैया एक बात और ध्यान दे, अगर पत्नी समझदार है, अगर पत्नी धर्म पर चलने वाली है, तो अपने पति को अधर्म का कार्य करने नहीं देगी। अपने पति को अधर्म पर चलने नहीं देगी, चाहे वो मर मिट भले ही जाए, लेकिन जब तक जीवित रहेगी तब तक अधर्म पर चलने नहीं देगी। भैया लक्ष्मी जी ने चरण पकड़ लिए, और यहाँ पर तो स्वयं लक्ष्मी जी है भैया, यहाँ पर तो स्वयं लक्ष्मी जी चरण पकड़ लिए, महाराज नहीं जाने दो। भगवान विष्णु ने कहा, देखो देवी तुम हमारे कार्य में बाधक मत बनो, तुम मेरे कार्य में बाधक मत बनो। लक्ष्मी जी कहने लगी, महाराज जो कार्य आप करने जा रहे हो ये अधर्म का मार्ग है और उस पर आप चलने जा रहे हो, आप अधर्म करने जा रहे हो, एक सती के सतीत्व को बिगाड़ने जा रहे हो। आपने जरा भी नहीं सोचा कि हम करने क्या जा रहे हैं। अरे महाराज अगर आपने जाकर के एक सती के सतीत्व को डिगा दिया तो समाज में आपकी क्या मान, क्या मर्यादा, क्या प्रतिष्ठा रह जाएगी। जब इतनी बात कही तो भगवान विष्णु कहने लगे, देखो देवी मैं जो करूंगा हमारी क्रिया तो निकृष्ट होगी, लेकिन हमारा उद्देश्य जो है वो उत्कृष्ट है। हमारी क्रिया लोगों की नजर में निकृष्ट हो सकती है, लोग कह सकते हैं कि भगवान विष्णु ने गलत किया। भैया अब जैसे हम कह रहे हैं आपसे कि भगवान विष्णु ने, स्वयं नारायण ने एक सती के सतीत्व को भंग किया, तो सबको यही लगता होगा कि भगवान विष्णु ने गलत किया। बोलो भाई लगता कि नहीं लगता? ये कब तक लगेगा? जब तक हम भगवान विष्णु के उद्देश्य को नहीं जान जाएंगे तब तक। वही बात भगवान विष्णु ने कही किससे? लक्ष्मी जी से। क्या कहा? कि हमारी क्रिया तो समाज में निकृष्ट हो सकती है, समाज में लोगों की नजरों में मैं गलत साबित हो सकता हूँ, लेकिन कब तक? जब तक वो लोग ये नहीं जान पाएंगे कि हमारा उद्देश्य क्या था। हमने सती, अगर सती बिंदा का सतीत्व भंग किया तो उसके पीछे हमारा उद्देश्य क्या था, और जिस दिन उद्देश्य जान जाएंगे तो हमारे प्रति सम्मान और बढ़ जाएगा, और बढ़ जाएगा। तो लक्ष्मी जी कहने लगी, महाराज ये कैसे होगा? और सुनो महाराज एक बात हम और आपको बता दें, कहते हैं कि जो जिसके साथ में जैसा करता है उसके साथ में भी आगे चल के वैसा ही होता है, वैसा ही होता है। और सुनो, आप जाकर के एक सती के सतीत्व को भंग करोगे महाराज तो उसका तो कुछ नहीं, लेकिन आप आगे सोचो अगर किसी ने हमारे साथ ऐसा किया तो महाराज आप कहीं मोड़ी उठाने लायक रह जाओगे, उठाने लायक रह जाओगे महाराज। और सुनो, जिस सती के सतीत्व को आप भंग करने जा रहे हो उसका पति जालंधर आगे चल के रावण बनेगा। समझा रही है लक्ष्मी जी? पहले ही समझा रही है। सुनो महाराज, सती के यानी सती बिंदा के सतीत्व को आप बिगाने जा रहे हो, आपकी क्रिया निकृष्ट है उसके प्रति, तब उसका सतीत्व बिगेगा और उसी का पति जालंधर आगे चल के रावण बनेगा। रावण जानते हो महाराज हमारा हरण करेगा। जब आप जाकर के राम बनोगे, मैं चल करके सीता बनूंगी, यही जालंधर जब रावण बनेगा तो हमारा हरण करेगा। और महाराज जब हमारा हरण करेगा ले जाकर के अपनी लंका में रखेगा, लेकिन आप में और उसमें थोड़ा क्रिया में थोड़ा परिवर्तन होगा। क्या? आपकी क्रिया निकृष्ट रहेगी, लेकिन रावण की क्रिया हमारे प्रति निकृष्ट नहीं रहेगी। एक बात बताओ, रावण सीता का हरण जरूर कर ले गया, लेकिन क्या रावण की नियत खराब थी? क्या रावण की क्रिया निकृष्ट थी? नहीं। अरे उसने अगर सीता का हरण किया तो अपने उद्धार के लिए।
अपने उद्धार के लिए। वही बात लक्ष्मी जी कह रही कि महाराज आपकी क्रिया निकृष्ट होगी, लेकिन ये जालंधर जब रावण बनेगा हमारा हरण करके ले जाएगा, लेकिन उसकी क्रिया निकृष्ट नहीं होगी। लेकिन फिर भी महाराज जब आप वहां पर रावण पर विजय प्राप्त करके हमें वापस लंका से अयोध्या में लाओगे, उसके बाद में लोगों की नजर में हमारी क्या इज्जत रहेगी, आप अच्छी तरीके से जानते हो, अच्छी तरीके से जानते हो। लोगों के तानों से परेशान हो जाओगे महाराज, और उस दिन आप करोगे क्या, हमारा हमेशा हमेशा के लिए त्याग कर दो। तो बताओ महाराज आगे ऐसी स्थिति आने वाली है, फिर भी आपकी समझ में नहीं आ रहा। तो भगवान बोले देवी हमारी समझ में सब कुछ आ रहा है, लेकिन अगर जालंधर मरेगा नहीं तो धर्म आगे बढ़ेगा नहीं। और सुनो देवी, क्या जालंधर से ज्यादा गलती है तो सती बिंदा की, जालंधर से ज्यादा, जालंधर तो चलो अधर्मी है ही, लेकिन पत्नी को तो अपने पति पर अधर्म करने से रोकना चाहिए कि नहीं। और फिर वो भी और बढ़ावा दे दे कि महाराज आप अधर्म करो, ये पत्नी का धर्म है, ऐसा तो धर्म नहीं बनता है पत्नी का कि अपने पति को बढ़ावा दे के जाओ अधर्म पर चलो। तो जालंधर से ज्यादा गलती है तो सती बिंदा की। लक्ष्मी जी ने कहा महाराज अगर तुम्हें जालंधर को ही मारना है तो आप यहीं से मार सकते हो। लक्ष्मी जी ने कहा अगर आप जालंधर को मारने के लिए ऐसा करना चाहते हो तो जालंधर को तो आप यहीं से भी मार सकते हो, वहां जाने की क्या जरूरत है, आप मार दो यहां से। भगवान बोले नहीं, जालंधर की गलती कम है, गलती तो सती बिंदा की है, उसी को तो हमें एहसास दिलाना है कि वो कितना अधर्म करवा रही है, अपने सतीत्व के बल पर अपने पति के द्वारा अधर्म करवा रही है, ये पत्नी का धर्म नहीं बनता। और मैं यही तो उसे बताना चाहता हूं। जब ये उद्देश्य समझ गई लक्ष्मी जी, तो लक्ष्मी जी ने चरण छोड़ दिए और कहने लगे स्वामी मैं तो ये समझ रही थी कि आप जो करने जा रहे हो ये तो महाराज गलत है, आपकी क्रिया निकृष्ट है, लेकिन जब आपने अपना उद्देश्य बता दिया तो मैं समझ गई कि क्रिया तो निकृष्ट है आपकी, लेकिन उद्देश्य आपका उत्कृष्ट है। अब तो जाओ महाराज, जाओ। भगवान विष्णु चल पड़े, ध्यान देंगे, भगवान विष्णु चल पड़े, जाकर के सती बिंदा के सतीत्व को भंग किया। भैया सती बिंदा के सतीत्व को भंग किया, और जब सती बिंदा के सतीत्व को भंग किया, जैसे ही बिंदा का सतीत्व भंग हुआ वैसे ही भगवान शंकर ने जालंधर को मारा। बोले शंकर भगवान की, भोले बाबा ने जालंधर को मार दिया। लेकिन अब ध्यान दे, जब सती बिंदा ने जाना, जब भगवान असली भेष में आए तो सती बिंदा ने देखा, कहने लगी महाराज आपने मेरे साथ में ऐसा छल किया, जाओ मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम पत्थर हो जाओ। लेकिन भगवान विष्णु जरा भी इस श्राप से घबराए नहीं, जरा भी इस श्राप से नहीं घबराए। लेकिन उसके बाद में भगवान विष्णु ने अपना उद्देश्य बिंदा को भी समझाया। जब बिंदा को उद्देश्य समझाया तो बिंदा के समझ में आ गया। अब बिंदा हाथ जोड़ के कहने लगी महाराज मुझे क्षमा कर दो, मुझसे गलती हुई, मुझे गलती हुई, मुझे कोई ये बताने वाला नहीं था, मैंने अपने सतीत्व के बल पर अपने पति का अधर्म पर चलने पर साथ दिया, अधर्म करने पर साथ दिया, ये मेरी गलती है। और जब इतनी बात कही तो भगवान विष्णु ने कहा कि तुम अपनी गलती स्वीकार करती हो, तुम अपनी गलती स्वीकार करती हो। बोले हाँ महाराज मैं अपनी गलती स्वीकार करती हूँ। और जब इतनी बात कही तो भगवान विष्णु ने कहा देखिए चाहे जितनी भी कोई गलती क्यों न कर ले, लेकिन अगर वो हमारे समक्ष अपनी गलती स्वीकार कर लेता है तो मैं उसे क्षमा कर देता हूँ, तो मैं उसे क्षमा कर देता हूँ। जिस समय इतनी बात कही और कहने लगे भगवान अब सुनो तुम, वैसे हम तुम्हारे ऊपर तो प्रसन्न हैं ही, वैसे तो हम तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हैं, क्यों, क्योंकि तुम बड़ी ही पतिव्रता नारी हो, बड़ी पतिव्रता नारी हो, इसलिए हम तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हैं। लेकिन अब सुनो, अभी तक तो तुम जालंधर की पत्नी थी, अभी तक तुम जालंधर की पत्नी थी, लेकिन अब सुनो मैं सीता के बिना रह सकता हूँ। ध्यान दीजिएगा, बोल पड़े भगवान बिंदा से, क्या बोले, जब मैं राम बनूंगा तो सीता के बिना तो रह सकता हूँ, जब मैं श्याम बनूंगा तो राधा के बिना रह सकता हूँ, लेकिन जब मैं नारायण बनूंगा तो तुम्हारे बिना मैं कभी रह नहीं पाऊंगा। बोले मैं तुम्हारे
तुम्हारे बिना रह नहीं सकता हूँ, जाओ तुम जाकर के तुलसी बनोगी। और फिर भगवान विष्णु ने कहा क्या आठ पहर चौसठ घड़ी चढ़ी रहो मम। जब भगवान नारायण की हम पूजा करते हैं, भगवान विष्णु की हम पूजा करते हैं, और अगर भगवान विष्णु को तुलसी का पत्ता अर्पित नहीं करते हैं तब तक हमारी पूजा अधूरी मानी जाती है। अगर हम पत्ता अर्पित कर देते हैं भगवान को, तुलसी का पत्र अर्पित कर देते तो हमारी पूजा पूरी मानी जाती है, अन्यथा हमारी पूजा अधूरी मानी जाती है। जिस समय ये बात कही बिंदा बड़ा मगन हो गई, वही बिंदा चल करके आगे कौन हुई, तुलसी का वृक्ष बनी। एक रूप में लक्ष्मी बनी और एक रूप में तुलसी का वृक्ष बनी। एक रूप लक्ष्मी बनो पुनि तुलसी हम ईश, और आठ पहर चौसठ घड़ी चढ़ी रहो मम। आज समझ में आई? अच्छा, तो ये बात कह कौन रहा था? गौतम ऋषि। बहुत सुंदर ये बात गौतम ऋषि कह रहे हैं अहिल्या से। क्या कि जब तू नहीं जान पाई थी तब तो ठीक था, लेकिन जब तू जान गई थी कि इंद्र है तो तूने श्राप क्यों नहीं दिया? जब सत्य जब अहिल्या ने ये कहा कि महाराज मैं जान नहीं पाई, मेरी भी बात तो सुन लो, मैं जान नहीं पाई, तो उस पर गौतम ऋषि ने जवाब दिया ठीक है तू नहीं जान पाई, मैं मान लेता हूँ, लेकिन जब जान गई थी तो आशीर्वाद तो तूने श्राप क्यों नहीं दिया? अरे सती बिंदा के भी साथ में छल हुआ, लेकिन जब वो जान पाई तो क्या उसने भगवान विष्णु को छोड़ा? नहीं छोड़ा। क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि वो सहमत नहीं थी। और मुझे तो ऐसा लग रहा है तेरे में कि तू भी इस काम में सहमत थी, इसलिए श्राप नहीं दिया। बड़ा सुंदर भाव भैया। यही बात विश्वामित्र जी महाराज भगवान राम को बता रहे हैं। अब राम ने जब इतनी सारी बात सुन ली तो कहने लगे गुरुदेव एक बात हमारे अंदर नहीं समझ में आई। महाराज एक बात समझ नहीं आई तो कौन सी बात? बोले महाराज एक बात बताओ, आखिर अहिल्या ने इंद्र को श्राप क्यों नहीं दिया? चलिए भाई जब नहीं जान पाई थी तो अलग बात, लेकिन जब जान गई तो भी श्राप क्यों नहीं दिया? तब तो देना चाहिए था। तो विश्वामित्र जी कहने लगे राम बात ये है, एक बार ऐसा हुआ, ये अहिल्या महाराज ब्रह्मा की पुत्री है, ध्यान दीजिएगा, अहिल्या ब्रह्मा जी की पुत्री है और ब्रह्मा जी बुद्धि के देवता हैं, ब्रह्मा जी बुद्धि के देवता हैं और ये उनकी पुत्री है। एक बार ऐसा हुआ, ये अहिल्या जो थी जब अपने माता पिता के पास में थी, यानी ब्रह्मा जी के पास और ब्रह्माणी के पास, तो एक दिन ऐसा हुआ इंद्र आया, और इंद्र जब आया ब्रह्मा जी के वहां तो इधर अहिल्या ने इंद्र को देखा और इंद्र ने अहिल्या को देखा, तो इंद्र को देख करके अहिल्या प्रभावित हो गई थी, ध्यान दीजिएगा, इंद्र को देख के अहिल्या इंद्र से प्रभावित हो गई थी, मन में भाव ये आया कि हमारा विवाह इनके साथ में होना चाहिए, होना चाहिए। प्रभावित होने का मतलब तो यही है कि हमारा विवाह इनके साथ में हो जाए तो ठीक रहेगा। लेकिन ब्रह्मा जी बुद्धि के देवता हैं, भैया बुद्धि से काम लेना चाहिए। तो अहिल्या की जब ये दृष्टि को देखा, इस भाव को देखा, तो ब्रह्माणी इंद्र तो चले गए, अब इधर ब्रह्माणी ब्रह्मा जी से कहने लगी, और ब्रह्माणी जो थी ये भी इंद्र से प्रभावित हुई, इसलिए कि अगर हमारी बेटी का विवाह हो जाएगा तो ये भी अच्छा रहेगा, क्यों? क्योंकि ये इंद्र देवताओं के राजा हैं, देवताओं 33 करोड़ देवताओं के राजा हैं, इंद्रासन है इनके पास, सब कुछ है, तो ये हमारी बेटी के लिए ठीक रहेगा। जब ये बात ब्रह्माणी के मन में आई तो ब्रह्माणी ने सोचा कि लाओ मैं चल करके अपने स्वामी पर ये बात कहूं। तो ब्रह्माणी अपने पति से कहने लगी, महाराज ब्रह्मा जी से, कि ऐसा करते हैं हमारी बेटी अब विवाह के योग्य भी हो गई है और अब अपनी बेटी का विवाह कर दिया जाए। तो ब्रह्मा जी ने कहा इतनी जल्दबाजी की क्या जरूरत है, अरे हम विवाह करेंगे तो अपने हिसाब से करेंगे, सोच समझ के विवाह। भैया ये ऐसा तो नहीं कि विवाह भी बार बार होते हैं, है कि नहीं? जीवन में एक ही बार विवाह होना और वो भी जल्दबाजी में कर दो, पता लगे बेटी को कितनी तकलीफ है ससुराल में, जीवन भर पछताना पड़ेगा, तो सोच समझ के विवाह करना चाहिए। ब्रह्माणी ने, अब ब्रह्माणी तो इंद्र को देख चुकी थी ना, तो उन्हें सोचने विचारने की जरूरत नहीं थी, लेकिन ब्रह्मा को इस बात की खबर थी नहीं कि ये हमारी पत्नी और बेटी दोनों इंद्र से प्रभावित हो गए।
तो जब ब्रह्माणी ने कहा कि महाराज अपनी बेटी का विवाह हो जाना चाहिए, तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है हो जाएगा, पर समय तो आने दो, समय आएगा मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगा। तो ब्रह्माणी ने कहा महाराज अगर हो सके तो मैं आपसे एक बात कहूँ। हाँ हाँ कहो, क्या बात है? ब्रह्माणी कहने लगी महाराज मुझे लग रहा है कि इंद्र से योग्य और कोई वर हमारी बेटी के लिए श्रेष्ठ नहीं हो इंद्र से बढ़कर, क्योंकि इंद्र श्रेष्ठ है, 33 कोटि देवताओं का अधिपति है, इंद्रासन है उसके पास में, लोग सम्मान करते हैं, राज जितने देवता सब सम्मान करते हैं, तो महाराज हमारे हिसाब से तो हमारी बेटी के लिए अहिल्या के लिए इंद्र जैसा योग्य वर और कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए आप ऐसा करो हमारी बेटी का विवाह इंद्र के साथ कर दो। अच्छा जिस समय ये बात कही तो ब्रह्मा जी कहने लगे देखो देवी इंद्र के साथ हम अपनी बेटी का विवाह नहीं कर सकते। देखिए बात और बताएं, ज्यादा लपक धपक हमें नहीं देखना चाहिए, याद रखना हमें तो उसकी गहराई तक पहुंचना चाहिए कि वास्तव में ये है क्या, ऊपर से तो कुछ और है और अंदर से कुछ और है, और इंद्र की यही गति है, इंद्र की स्थिति यही है। इंद्र ऊपर से तो बड़ा लगता है कि समस्त देवताओं का राजा है, लेकिन अंदर से देखा जाए तो वो ठीक नहीं है। ऊंच निवास नीच कर तू, ये कौन कहता? मानस कहती है, मानस कहती है इंद्र के लिए ऊंच निवास, निवास तो ऊंचा है लेकिन करतूत बड़ी ही नीची, तो ये हमें देखना चाहिए भैया। आज ब्रह्मा जी ने कहा देखो देवी मैं मानता हूं इंद्र वैभवशाली हो सकता है, इंद्र वैभवशाली हो सकता है, इंद्र सुंदर हो सकता है, लेकिन इंद्र चरित्रवान नहीं हो सकता है। इंद्र वैभवशाली है मैं मानता हूं, इंद्र शक्तिशाली है मैं मानता हूं, इंद्र सुंदर है मैं मानता हूं, लेकिन इंद्र चरित्रवान नहीं है। मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगा तो किसी चरित्रवान व्यक्ति से, किसी चरित्रवान व्यक्ति से, ना कि उसके साथ में जिसका कोई चरित्र ही ना हो, जिसका चरित्र ही अच्छा ना हो उसके साथ में अपनी बेटी का विवाह नहीं कर सकता, क्योंकि मैं बुद्धि का देवता हूं और मेरी बेटी जो है वो भी बड़ी ही बुद्धिमान है, इसलिए मैं इसका विवाह वही करूंगा जहां पर हमारा मन करेगा, जो व्यक्ति चरित्रवान होगा मैं उसके साथ करूंगा। और वैसे हमारे ख्याल में तो ये है कि मैं अपनी बेटी का विवाह एक संत के साथ करूंगा। भैया जरा ध्यान देंगे, अगर व्यक्ति वैभवशाली नहीं है, ध्यान दीजिएगा, अगर व्यक्ति वैभवशाली नहीं है, अगर व्यक्ति सुंदर नहीं है, अगर व्यक्ति शक्तिशाली नहीं है, लेकिन चरित्रवान है, और अगर व्यक्ति चरित्रवान है तो ये सारी चीजें उसके अंदर आ जाएंगी। ध्यान दीजिएगा, अगर व्यक्ति चरित्रवान है तो एक दिन वो शक्तिशाली भी हो जाएगा, एक दिन वो धनवान भी हो जाएगा, एक दिन वो सुंदर भी हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखना अगर व्यक्ति चरित्रवान नहीं है तो उसकी सुंदरता, उसका वैभव, उसका धन एक दिन सब खाख में मिल जाएगा, इतना याद रखना। तो कहा किसने? ब्रह्मा जी ने कि मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगा तो किसके साथ? एक संत के साथ। अब ध्यान दे कितनी बढ़िया परख की है ब्रह्मा जी ने, ध्यान दीजिएगा कितनी बढ़िया परख की। इधर ब्रह्मा जी ने देखा कि हमारी बेटी का भी मन है कि इंद्र के साथ विवाह हो, और हमारी पत्नी का भी मन है कि इंद्र के साथ विवाह हो, और कहीं ऐसा ना हो जाए हम किनारे बैठ रहे हैं और ये विवाह तय कर जा रहे हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता ना, दादा लोग नहीं जान पाओ तो अम्मा विवाह तय कर देती, अब तो हुई हुई, हम तो उतने कह चुके हैं, वो हमारी बहुत नजदीकी है, वो हमारी बड़ी सहेली है, अब तो विवाह हुए हुए, अब मजबूरी ना करो तो लड़ाई गरमा करो, मजबूरी करोगे तो ब्रह्मा ने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो हम अलग ही बैठ रहे हैं, और ये हमारी बेटी के भी मन से है, अगर बेटी के मन से ना होता तो ब्रह्मा जी के मन में डर नहीं होता इस बात का कि हमारी पत्नी विवाह तय कर देगी, जब बिटिया का मन ही ना तो तुम विवाह तय करके करी होगा, लेकिन यहाँ पर बिटिया का मन हो, अम्मा का मन हो तो बप्पा के लिए क्या करी है भैया। इसलिए ब्रह्मा ने क्या किया, अपनी बेटी अहिल्या को गौतम ऋषि को सौंप दिया, लेकिन अभी विवाह नहीं किया, याद रखना विवाह नहीं किया, केवल रखवाली में सौंप दिया कि अगर यहाँ पर रहेगी तो कुछ बात गड़बड़ हो सकती है, लेकिन जब मैं अपनी बेटी को एक संत के पास भेज दूंगा तो वहां पर इसके साथ कुछ गड़बड़ नहीं हो सकता है, क्योंकि संत की मर्यादा तो अलग ही है, और फिर गौतम ऋषि जैसे संत
भैया ध्यान दीजिएगा, कुछ दिनों नहीं, कुछ महीनों नहीं, कुछ साल तक अहिल्या गौतम ऋषि के पास रही, भोजन बना करके खिलाती, सारी सेवा करती है। लेकिन धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, अब ये ब्रह्मा जी परख कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, परख कर रहे हैं, परख कर रहे हैं हमारी बेटी के लिए दूल्हा कौन योग्य रहेगा। कुछ जब वर्ष व्यतीत हो गए तब ब्रह्मा जी अपनी बेटी को लेने आए। गौतम ऋषि ने कहा, महाराज आपकी बेटी हमारे पास में धरोहर के रूप में थी, जैसे आपने अपनी बेटी को दिया था वैसे मैं आपकी अपनी बेटी को वापस कर रहा हूँ, आपकी बेटी तो मैं वापस कर रहा हूँ, ले जाओ। जब ब्रह्मा जी लेकर के गए तो पूछा अपनी बेटी से कि इनका चरित्र कैसा था। अहिल्या ने बड़े भाव से कहा, महाराज अरे ये तो संत है, इनके चरित्र की तुलना हम नहीं कर सकते हैं, इनके चरित्र की तुलना हम नहीं कर सकते हैं। जिस समय अपनी बेटी के द्वारा ये बात सुनी उसी क्षण महाराज ब्रह्मा जी ने कहा, अब सोचने की जरूरत, अब सोचने की जरूरत नहीं है, ना तो हमें कहीं पर ढूंढने की जरूरत, ना हमें सोचने की जरूरत। महाराज ब्रह्मा जी ने क्या किया, गौतम ऋषि को बुलाया और बुला करके गौतम ऋषि को अपनी बेटी अहिल्या का विवाह महाराज गौतम ऋषि के साथ में कर दिया। जब विवाह किया तो गौतम ऋषि ने पूछा, क्या पूछा, एक बात बताओ महाराज, आज तुम विवाह कर रहे हो अपनी बेटी का और इसके पहले तुम हमारे आश्रम पर छोड़ने आए थे, किस उद्देश्य से, किस उद्देश्य से। तो ब्रह्मा जी हाथ जोड़ के बोले, महाराज अब हम वो बात तो नहीं कह सकते कि आपकी परख करने आए थे, अगर हम ये बात कहते हैं तो ये बात बड़ी तुच्छ बैठेगी, इसलिए महाराज कुछ नहीं, हमने बस ऐसे ही अपनी बेटी के अंदर संस्कार देने के लिए आपके आश्रम पर हमने अपनी अहिल्या को छोड़ा था, और आज मैं समझ गया कि आपसे योग्य हमारी बेटी के लिए कोई दूसरा वर नहीं हो सकता, इसलिए आप हमारी बेटी को स्वीकार कर लीजिए। महाराज गौतम ऋषि ने कहा, वाह क्या बात है, कितनी बुद्धि लगाई तुमने, चलो तुमने अपनी बेटी को मुझे दिया, मैं तुम्हारी बेटी को लिए जा रहा हूँ। भैया अब वही बात गौतम ऋषि कह रहे हैं, ये बात पहले प्रश्न किसने किया था, भगवान राम ने, किससे, विश्वामित्र जी से, कि इंद्र को श्राप क्यों नहीं दिया, तो श्राप अहिल्या ने इसलिए नहीं दिया क्योंकि अहिल्या इंद्र से पहले ही प्रभावित थी, इंद्र से पहले से प्रभावित थी, इसलिए अहिल्या के मुख से इंद्र के लिए श्राप नहीं निकल सका। समझा दिया विश्वामित्र जी महाराज ने भगवान राम को, इसलिए अहिल्या ने श्राप इंद्र को नहीं दिया। अब वही बात कह रहे हैं कौन, गौतम ऋषि कहते हैं, अरे तू तो एक बुद्धिमान की बेटी है, ब्रह्मा बुद्धि के देवता है और तू उनकी बेटी है, लेकिन आज तेरी बुद्धि जड़ हो गई। अच्छा एक बात और बताएं भैया, गौतम ऋषि ने श्राप दिया है अहिल्या को तो पत्थर होने का ही श्राप क्यों दिया, कोई और भी श्राप तो दे सकते, जब बिरवा हो जाओ, क्यों भैया, जब पेड़ हो जाओ, जब कुछ और हो जाओ, लेकिन पत्थर होने का ही श्राप क्यों दिया, ध्यान दीजिएगा, क्यों दिया पत्थर होने का श्राप, क्यों, क्योंकि जड़ माने, जड़ माने होता है पत्थर, ध्यान दीजिएगा, जड़ माने पत्थर। आज यहाँ पर गौतम ऋषि ने कहा कि तू ब्रह्मा की पुत्री है, बुद्धिमान देवता है ब्रह्मा जी, बुद्धि के देवता है, तो उनकी बेटी है, लेकिन आज तेरी बुद्धि जड़ हो गई, जड़ माने पत्थर, तेरी बुद्धि पर पत्थर पड़ गया, अब तू जड़ हो गई, पत्थर हो गई, तो जा, जब तेरी बुद्धि जड़ हो गई तो मैं तुझे श्राप देता हूँ कि बुद्धि के साथ साथ तू भी जड़, मतलब तू भी पत्थर हो जा, श्राप दे दिया पत्थर का, आज अहिल्या पत्थर बनी पड़ी। गौतम ऋषि ने उस आश्रम को छोड़ दिया और वहां से चले गए। जब गौतम ऋषि वहां से चले गए तब से वहां पर जितने पेड़ पौधे जो भी था सब सूख गया। भैया एक बात बताओ, जहां पर कोई मनुष्य ना रहे वहां की भूमि, वहां की स्थिति, वहां का वातावरण कैसा हो जाएगा, बिल्कुल बेकार हो जाएगा भैया, देखने लायक नहीं रह जाएगा। अब अगर गौतम ऋषि चले गए थे, अहिल्या होती तो वातावरण अच्छा होता, लेकिन यहाँ पर तो दोनों नहीं रहे, ना तो गौतम ऋषि रहे और ना ही अहिल्या रही, इसीलिए वहां पर प्रदूषण फैल गया, पेड़ पौधे सूख गए, और पेड़ पौधे सूख गए, पशु पक्षी खग मृग जो थे वो सब वहां से भाग गए। यही बात तो पूछी, क्या पूछा भगवान राम ने, अपनी बात पर आ जाओ भैया, भूलना नहीं, क्या पूछा भगवान राम ने, पूछा मन ही सिला
सोचा मुने ही सुना प्रभु देखी सकल कथा मुने कहा दुसे पत्थर न पड़ा होगा, अनेकों पत्थर पड़े होंगे, लेकिन किसी के विषय में नहीं पूछा महाराज ये पत्थर कैसा है, पत्थर कैसा, पर पूछा किसके विषय में, इस पत्थर के विषय में पूछा, क्योंकि इसमें कुछ अलग है, विशेषता है, विशेषता क्या है, क्योंकि ये पत्थर जो था एक नारी के आकृति का था भैया, एक नारी के आकृति का था, इसलिए भगवान राम को संदेह हो गया कि आखिर ये महाराज पत्थर तो हमने हजारों देखे पर ऐसा पत्थर नहीं, इसलिए पोछा सिला पोछा मो नहीं सिला प्रभु पोछा मो नहीं सिला प्रभु देखी सकल कथा मुनि कहा देखी विषय में पूछा तो विश्वामित्र जी महाराज ने उस शिला की पूरी कहानी यानी गौतम ऋषि और अहिल्या की पूरी कथा जो है वो राम जी के सामने कह दी। जब राम जी के सामने कही तो महाराज लक्ष्मण जी खड़े हैं, लक्ष्मण जी ने कहा ये कथा है, लक्ष्मण जी की भाषा तो जनते हो भैया, कब वो नीके नहीं बोलते, नीक्यू बात हो तब वो ऐठक बोली है, क्या बोले कि ये कथा है, विश्वामित्र जी महाराज ने कहा हाँ ये कथा ही तो है, तो बोले हमें नहीं लग रहा ये कथा, अरे ये तो कथा नहीं कथा के रूप में ये तो व्यथा है, ये तो व्यथा है। और जब इतनी बात कही तो विश्वामित्र जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, बोले हाँ व्यथा थी लेकिन अब नहीं है, व्यथा थी कब, जब राम यहाँ पर नहीं आए थे, जब राम के कानों तक ये कथा हमने नहीं सुनाई थी तब तक ये व्यथा थी, और आज ब्रह्म ने जब इस व्यथा को सुन लिया तो ये व्यथा जो है कथा के रूप में बदल गई। जब किसी की व्यथा परमात्मा के सामने पहुंच जाती है तो फिर वो व्यथा नहीं रहती है, फिर तो वो व्यथा बदल के कथा में परिवर्तित हो जाती, इसलिए आज अहिल्या की व्यथा कथा हो गई, क्योंकि कथा हुई कैसे भैया, जब तलक कोई प्राणी किसी के विषय में पूछता है तो वो व्यथा ही रहती है, ध्यान देंगे, कोई मनुष्य किसी के विषय में पूछता है तो वो व्यथा रहती है, लेकिन अगर ब्रह्म उसके विषय में पूछता है तो वो कथा हो जाती है। आज ब्रह्म ने पूछा है, पूछा मुने ही सिला प्रभु देखी और सकल कथा मुनि कहा विषय, ने पूछा है उसके विषय में, तो महाराज विश्वामित्र जी ने जब ये पूरी कथा सुनाई, हालांकि थी तो अहिल्या के जीवन की व्यथा, लेकिन जब विश्वामित्र जी महाराज एक संत के द्वारा व्यथा कही गई और एक नारायण के द्वारा सुनी गई तो वो व्यथा व्यथा न रह करके बल्कि कथा में परिवर्तित हो। इधर विश्वामित्र जी कहने लगे, राम अभी तक तो ये व्यथा थी लेकिन अब कथा हो गई, और अब ऐसा करो ये कौन है महाराज, गौतम नारी, महाराज गौतम की नारी अहिल्या, गौतम नारी श्राप वश उपलब्ध है धरु भीर चरण कमल रज चाहती, अरे कृपा करहु रघुवीर। महाराज ये अहिल्या है, गौतम ऋषि की पत्नी है, आपके चरण रज चाहती है, महाराज आप इसके ऊपर कृपा कर दो।
जब इतनी बात कही चरण रज चाहती वारा, जिसके ऊपर आप अपना चरण रख दो तो इसका उद्धार हो जाए। लक्ष्मण जी से फिर नहीं रहा गया। लक्ष्मण जी बोले, महाराज चरण रखने से उद्धार होगा? बोले हाँ, चरण रखने से उद्धार होगा। लक्ष्मण जी कहने लगे, मेरे भैया वहां से उतनी दूर से चल कर के आए, सामने उद्धार नहीं हुआ, उतनी देर से उसी की कथा सुन रहे, उद्धार नहीं हुआ और अब चरण धरने से उद्धार होगा? अरे उद्धार होना ही नहीं है तो होगा कैसे? जब ये बात कही तो विश्वामित्र जी महाराज ने कहा, राम एक बात बताओ, तुम अपने भैया की बात मानी हो कि हमारे मानी हो? राम जी ने कहा, गुरुदेव हम तो तुम्हारी बात मानेंगे। तो बोले, फिर उठाओ चरण और रख दो। राम ने जैसे चरण